स्टूडेंट्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों थे उनके अवकलज ज्ञात किए थे। उसमें आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर पहले और सरल हो सकता है तो पहले उसको और सरल करो, उसके बाद में हमें उसका अवकलन करना है। उसको और अधिक सॉल्व करने के लिए हमें अक्स की जगह कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है। तो उसी में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, जिसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस ए एक्स। तो इसको हम और अधिक सॉल्व कर सकते हैं। और अधिक सॉल्व कैसे करेंगे, वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर मानते हैं। तो लेट y बराबर टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस ए एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो यहाँ टेन इनवर्स है ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रश्नमाला है आपका चैप्टर नंबर 2 है उसको जब पढ़ोगे तो आपको एक फॉर्मूला आएगा आपके सामने, चूँकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होगा। तो देखो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो y की जगह क्या आ गया आपका a आ गया और x है ये, तो यही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इसलिए आपका y बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x। ये अधिक सॉल्व हो गया, इसमें हमें कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा फॉर्मूला यूज किया और ये हो गया। अब इसका आकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। तो अब y का तो हो जाएगा dy वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब देखो ये टेन इनवर्स a है तो ये पूरा अचर ही है, इसके साथ कोई x का पद नहीं है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो गया 0 प्लस। फिर टेन इनवर्स x ये अचर नहीं है तो इसका टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1 बट्टा 1 माइनस 4 की पावर एक्स। अब देखो ये इस प्रकार से बना हुआ है, बट्टा में है, इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला बनेगा। किसका बनता है, तो देखो बेटा वाले मैक्सिमम फॉर्मूले हैं वो आपके टेन के होते हैं, इसका मतलब टेन बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको वाई के बराबर मानेंगे, वाई बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ इसलिए। तो वाई बराबर टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बट्टा 1 माइनस 4x। अब हमें पुट करना, अब किस किस जगह क्या पुट करें उसका पता करने के लिए देखो हम यहाँ से उस ऊपर को सॉल्व करते हैं कि 2 की घात x प्लस 1 है। अब हम 2 की घात x अलग कर लेंगे, 2 की घात 1 अलग कर लेंगे, तो ये हो गया आपका y बराबर टेन इनवर्स 2 की घात 1 डॉट 2 की घात x, ये अलग कर लिया, बट्टा 1 माइनस, इसका क्या करें, तो 4x को हम लिख सकते हैं 2 की घात x का होल स्क्वायर। ये कैसे बना वो आपको समझाते हैं, देखो आपका 2 की घात x है और उसकी दोबारा घात है 2। तो देखो हमारा रूल कहता है किसी भी संख्या की घात और घात की दोबारा घात हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये गुणा हो के आपका 2x बन गया। एक चीज़ और, अगर ये ऐसे होता 2 की घात 2 और इस पूरे की घात x, तो भी देखो घात संख्या ऐसे घात और घात दोबारा घात घात गुणा होकर ये बन गया। अब अगर हम इसको 2 की घात 2 को हल कर लें तो ये हो गया 4 की घात x। तो 4 की घात x को हम 2 की घात x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इनमें से ज़रूरत किसकी थी, इसकी थी, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो 2 2 की पावर x बट्टा 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनता है आपका टेन में। तो आप क्या करो 2 की पावर x की जगह टेन थीटा पुट कर दो, टेन थीटा, ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा देखो, इसलिए y बराबर टेन इनवर्स, तो ये हो गया आपका 2 है ये और इसकी जगह हमने रख दिया टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2
टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह टेन टू थीटा लिख देंगे, तो वाई बराबर टेन इनवर्स और ये हो गया आपका टेन टू थीटा, और टेन इनवर्स से आपका टेन क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आ गया टू थीटा। अब थीटा का मान रखेंगे अपन, तो थीटा का मान रखने पर हमने थीटा का मान क्यों रखा, देखो थीटा का मान इसलिए रखा है कि हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। अब ये वाई थीटा के पद में आ गया, थीटा के सापेक्ष नहीं करना, क्यों इसमें एक्स का कोई पद है ही नहीं और हमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो थीटा का मान वापस रखेंगे, तो आपका वाई बराबर टू। अब थीटा का मान कहाँ से आएगा, जहाँ पुट किया वहाँ से, उधर थीटा को अकेले रखो टेन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर टेन इनवर्स दो की घात एक्स हो गया। अब यहाँ रख देंगे तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स दो की घात एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल किया, अभी हमने सरल किया, हमें क्या करना है इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस टेन इनवर्स का अवकलन हमें पता होना चाहिए। हम अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स का अवकलन पता ही आपको, जैसे हमने यहाँ पीछे किया था टेन इनवर्स का अवकलन था एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स था इसलिए ये हो गया। अब यहाँ क्या दो की घात एक्स है, तो दो की घात एक्स का और होगा, कैसे होगा आगे देखो। तो अब हम अवकलन करते हैं, तो देखो वाई का तो हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का होता है एक बट्टा वन प्लस अंदर वाले का होल स्क्वायर, तो अंदर क्या आपका दो की घात एक्स है, तो दो की घात एक्स का होल स्क्वायर गुणा, ये तो टेन इनवर्स का होगा। अब दो की घात एक्स का अवकलन करेंगे, तो दो की घात एक्स का अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स वाले रूल से, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। इसी प्रकार दो की घात एक्स का हो जाएगा दो की घात एक्स और लॉग दो, तो अब ये लिख देंगे हम, ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर दो की घात एक्स लॉग दो बटा यहाँ वन प्लस, अब दो की घात एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम चार की घात एक्स लिख सकते हैं। पहले हमने चार की घात एक्स से बनाया था दो की घात एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात का ए पार्ट दिया हुआ आपको साइन टू टेन इनवर्स अंडरूट वन माइनस एक्स बट्टा वन प्लस एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बराबर का चिन्ह है या नहीं, तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले इसको वाई बराबर मान लेंगे, तो लेट वाई बराबर साइन टू टेन इनवर्स अंडरूट वन माइनस एक्स बट्टा वन प्लस एक्स हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने की सोचते हैं, देखो बाहर तो आपका त्रिकोणमितीय फलन साइन ही है, लेकिन इसके अंदर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसके अंदर एक्स के पद है वो ज़्यादा है, तो उसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तभी यह अधिक सरल हो पाएगा। तो वो सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। कैसे करेंगे, देखो वन माइनस एक्स है वन प्लस एक्स है, ऐसी स्थिति में हम एक्स बराबर कोस थीटा पुट करते हैं, तो पुट एक्स बराबर कोस थीटा, कोस थीटा पुट करते ही आपका वाई बराबर हो गया साइन टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गया वन माइनस कोस थीटा बट्टा वन प्लस कोस थीटा, ये बन गया। तो वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला लिखो, तो ये होगा साइन टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस कोस थीटा का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा दो, और इसका हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बट्टा दो, तो वाई बराबर साइन टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, देखो दो से दो कट गया और ये साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बटा दो, अब ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर साइन टू टेन इनवर्स और ये बन गया आपका टेन थीटा बटा, तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। अब टेन इनवर्स से आपका ये टेन कैंसिल, तो वाई बराबर साइन टू इंटू, अब ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया थीटा बट्टा दो, अब दो से दो काट दो तो वाई बराबर हो गया आपका साइन थीटा। अब ये साइन थीटा में आ गया और हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए एक्स के पदों में, क्योंकि इसका अवकलन करना है अभी। अब देखो
हमारा को एक्स बराबर हमने कोश थीटा रखा और हमें साइन थीटा का मान रखना है, तो हम सीधा ऐसे नहीं कि भाई थीटा की जगह यहाँ से मान निकाल के रख दें, जैसे यहाँ से मान कैसे, जैसे अपन थीटा बराबर हो गया आपका कोस इनवर्स एक्स, अब तो यहाँ रख देंगे तो साइन उसके अंदर कोस इनवर्स एक्स ऐसा नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे इस साइन को हम कोस के पदों में बदलेंगे। कैसे बदलोगे, देखो आपका साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होगा तो अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोस थीटा का मान रख दो यहाँ से, तब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, तो वैल्यू पुट की तो वाई बराबर अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोस की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या एक्स है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब हमारा अभी तक ये केवल सोल्व हुआ है, सरल हुआ है, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन और करना पड़ेगा, तो अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन क्या था वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का होगा एक बट्टा दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हुआ अंडर रूट का, अब अंडर रूट के अंदर वाले अंदर में दो पद तो कोष्ट लगाया, एक है एक का हो जाएगा जीरो माइनस, फिर आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो से दो कट जाएगा और माइनस का एक्स बट्टा ये आंसर आ जाएगा, तो अब आपका हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस एक्स बट्टा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन सेवन का बी पार्ट है जिसमें दिया हुआ कोट इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखो सबसे पहले वाई का बराबर का चिन्ह है तो वाई मान लेंगे, तो लेट वाई बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर एक्स के ज़्यादा पद है, तो हमें पुट करके इसको हल करना पड़ेगा पहले, तो पुट क्या करें, तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और वन प्लस कोट स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हम टेन स्क्वायर यूज़ में लें या कोट स्क्वायर यूज़ में लें वो बताएगा बाहर वाली चीज़, बाहर आपका कोट इनवर्स है तो आपको क्या करना है एक्स की जगह कोट थीटा पुट करना है। वैसे तो हम एक्स की जगह आपको बताया प्रायोरिटी साइन थीटा को, टेन थीटा को और सेट थीटा को देनी है, लेकिन इस ऐसी स्थिति में आप कोट थीटा को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, अगर आप टेन थीटा पुट करके यूज करोगे सवाल को तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा आया कि कोट थीटा पुट करते अपना सिंपली हो जाएगा इजी तरीके से। तो पुट एक्स बराबर हमने पुट कर दिया कोट थीटा, तो आपका वाई बराबर आ गया कोट इनवर्स और ये हो गया आपका अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कोट थीटा। अब वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वाई बराबर कोट इनवर्स, तो ये हो गया अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। अब बाहर निकल जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा, तो कोट इनवर्स ये हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। अब इसको साइन कोस में बदल लो तो वाई बराबर कोट इनवर्स, साइन कोस में क्यों बदल रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं कि अभी इसको हम और सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका बाहर वाला कोट इनवर्स कैंसिल होगा, तो कोसेक थीटा होता है आपका एक बट्टा साइन थीटा प्लस कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं लघुगणक ले लेते हैं, तो वाई बराबर कोट इनवर्स लघुतम आएगा आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका वन प्लस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे, तो वाई बराबर कोट इनवर्स, तो वन प्लस कोस थीटा होता है आपका टू कोस स्क्वायर थीटा बट्टा दो, और साइन थीटा का होता है टू साइन थीटा बट्टा दो और कोस थीटा बट्टा दो, दो से दो कैंसिल हो गया कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कोट इनवर्स ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बट्टा दो और साइन थीटा बट्टा दो, कोस बट्टा साइन बन जाएगा आपका कोट, तो वाई बराबर कोट इनवर्स और ये अंदर हो जाएगा आपका कोट थीटा बट्टा दो, अब कोट इनवर्स से कोट हो जाएगा
कैंसिल, तो वाई बराबर थीटा बटा दो। अब ये थीटा का मान वापस रखना है, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वाई बराबर एक बट्टा दो ये रह गया और ये हो गया कोट इनवर्स एक्स। अब करते हैं अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक बट्टा दो ऐसे रह जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ है। एक्स कहाँ है आपका, देखो ये रहा कोट इनवर्स एक्स ना, इस पूरे के साथ है, इसलिए अब कोट इनवर्स का होता है माइनस एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स एक्स का होता है एक, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस एक बट्टा टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका 7.2 खत्म हो गया। देखो हमने जो अवकलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने संयुक्त फलनों का अवकलन किया था, उसके बाद में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन किया था। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करेंगे। अब अस्पष्ट फलन क्या होते हैं वो आपको बताते हैं।